दिखाते हैं छुपाते नहीं सच्ची खबरें पक्की खबरें। जब सिस्टम के अंदर जरूरत है सुधार की और जब गंदगी को साफ करना है तो फैसला लिया गंदगी उतरने का। अच्छे लोग गंदगी हम तो नहीं कहेंगे लेकिन गंदगी को साफ करना है तो गंदगी उतरना पड़ेगा और राजनीति में जाने का फैसला 2021 को अपना जॉब छोड़ के मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। और मेरी अपील रहेगी इस मंच से, बाकी आदरणीय हमारे तो यहां पे है ही है, बुजुर्ग तो ही है, लेकिन युवाओं को बहुत ज्यादा कसीर तादाद में इस पार्टी के साथ जुड़ना होगा। और अगर तनवीर हुसैन को जम्मू कश्मीर की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ज्वाइन करनी होती, मैं यहां पे नाम लेना चाहूं, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, वो वहां पे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हो, लेकिन हम किसी भी पार्टी में नहीं गए। हमने माननीय रामदास अठावले जी की छवि को देखते हुए हमने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस घेरा से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है, 19 जनवरी को एक परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें युवा, हमारे ट्रेडर साथी, हमारे संगठन चले हुए लोग जो काफी हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, और शीघ्र ही अभी माननीय अठावले साहब के रेजिडेंस में जम्मू कश्मीर के रूलर के कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल जी अपनी साथ जो टीम के समेत रिपब्लिक पार्टी इंडिया में शामिल हुए हैं। और उसके साथ साथ आज का जो एजेंडा जो मुझे बताया गया है, मैं समझ पा रहा हूं कि जिसपे लगभग खुल के बात नहीं हो पाई कि आगामी 5 राज्यों के आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ चाहे जम्मू कश्मीर के भी बहुत जल्दी जो चुनाव जो होने जा रहे हैं, रात को देखा होगा डील लिस्ट की जो मीटिंग थी वो भी पहली राउंड की यहाँ पे हुई है और लगता है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव आएंगे। और इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर की यूनिट की तरफ से आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर से झंडा लहराएगी, ये हमसे आप यहाँ पे वादा कर लेता हूं। दूसरी बात, जहां बाकी राज्यों के चुनाव है, यहाँ भी हमारे अध्यक्ष का इस स्टेज से थे जिन्होंने मदद करने का फैसला किया है, बहुत अप्रिशिएशन है और ये जरूरी है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज की जरूरत है। तो मैं एज ए रिपब्लिक पार्टी प्रेसिडेंट, मैं सभी देश जितने प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, आपको ये मैं यकीन दिलाता हूं कि जो भी चुनाव आगे आने वाले, जहां भी जिस कॉन्फ्रेंस जिस राज्य में जाना होगा, तनवीर हुसैन की पूरी टीम जम्मू कश्मीर से आपके उन चुनावों में कंपेयर आने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार है और हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो झंडा हम लहराएंगे। और साथ ही साथ इसी बात में यह कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त 61,000 जो कैजुअल लेबर्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक रेगुलराइज या मिनिमम एक्ट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी शीघ्र ही हमने माननीय रामदास जी से बात की है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी केंद्र में बैठकर इस मसले को हल कराएंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी जो युवा हैं और जो साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में इस पार्टी का परचम हम ऊंचा करेंगे। मैं एक बार फिर मंजू जी का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का, आप तमाम साथी जो दूर दूर उत्तर भारत से आज दिल्ली में पहुंचे हैं, तो मैं भी आपको दावा देता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब भी आप लोग आए हमसे कांटेक्ट करिए, आप खुद हैं हमारा से दर्शन है वहां पे कीजिए, उसके बाद कश्मीर के अंदर जो भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल हम सारा बशारा, हम एक फैमिली है, एक परिवार की तरह हम इस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। और खास करके हिंदू मुस्लिम सिख इधर जो जगह जगह आप भाषण आज देख रहे हो कि किस किस्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को मजबूत करके एक सेकुलरिज्म के साथ हम बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच को लेके आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल मेरे सही अपने साथी ने कहा था यहाँ पे कि यार बाबा भीमराव अंबेडकर की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, अगर उनकी उस किताब को पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ रोने क्या, 3 दिन आप लोग रोटी नहीं खाएंगे कि क्या उनने मेहनत की थी और उनकी एक बुक है डेली रूटीन, आप बाबा भीमराव अंबेडकर और वो बुक आप पढ़ोगे तो आप मुझे लगता है आप रोटी खाना छोड़ दोगे। और सिर्फ उस बुक के पहले पेज पे ही लिखा है वर्क वर्क एंड वर्क और काम के सिवा कुछ नहीं। और मैं आपको फिर एक बार तमाम साथियों का, मैडम का और पूरे जो हमारे संचालक हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ जाने का मौका मिला। और जाते हुए आपके नाम एक शायर अर्ज करना चाहता हूँ कि खवाई से फल झोली में नहीं गिरा करते, खवाई से फल गोली में नहीं कर सकते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से के दिया खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। सर दाकड़ है हरियाणा में, आपका स्वागत है। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर
आज आप मीटिंग में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज नॉर्थ इंडिया की एक मीटिंग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें हमारे नेशनल प्राइजर रामदास ठावरे जी मुख्य अतिथि हैं और हमारी मंजू मैम चिबर जो है नॉर्थ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, और जम्मू कश्मीर से अपनी टीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं। आज आप जानते हैं कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव जो हिंदुस्तान में होने जा रहे हैं, चाहे उत्तर भारत की बात हो, तो इस टाइम उसके ऊपर मंथन करने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है और हम भी जम्मू कश्मीर की अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। और किस तरह से चुनाव इस बार लड़ा जाएगा उसके ऊपर चिंतन मंथन किया जाएगा, और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के ऊपर उसके ऊपर जो है यहाँ पे डिस्कशन होके जो भी कंक्लूसिव फैसला निकलेगा उस पर जो है जो पार्टी को यहाँ डायरेक्शन दी जाएगी। अभी आपने बताया कि 19 जनवरी से आप लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहेगा सर? देखिए, 19 तारीख को हम जम्मू कश्मीर में एक संकल्प यात्रा कहेंगे, उसके परिवर्तन यात्रा का नाम दें, उसमें हमारे मुख्य अतिथि रामदास अठावले जी जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और जम्मू में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हज़ारों में कार्यकर्ता वहाँ पर आएंगे और कई लोग पार्टी का दामन थामेंगे, और वहीं से जो है एक जम्मू कश्मीर की जो है वो क्या कहते हैं पार्टी की जो शुरुआत भी पूरी तरीके से होगी। तो मैं आपके चैनल के जरिए ये तमाम जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे अपने हिंदुस्तान, उनको भी निमंत्रण देता हूँ कि वो भी जम्मू कश्मीर आएँ, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डराया जाता है लोगों को कि वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बहुत अच्छा स्टेट है, आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से आप वहाँ वैष्णो देवी आइए, आप वहाँ हजरत बल जाइए, आप कश्मीर घूमिए, आप जम्मू घूमिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर एक पीसफुल वहाँ पर राज्य है और मुझे लगता है कि लोगों को वहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश जिसको 2 भागों में बांटा गया, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर यूटी हो, वहाँ कुछ ऐसे हालात थे जिसमें सरकार के फैसला लेना पड़ा, लेकिन वहीं दूसरी साइड से माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने, उन्हें सदन में ये हमें आश्वस्त किया है कि उसको राज्य का दर्जा जल्दी वापस मिलेगा। तो हमें यकीन है कि इलेक्शन से पहले पहले जो चुनाव से पहले पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले, और वहाँ के जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी अपनी भाषण में भी यहाँ पे कहा कि 61,000 कैजुअल लेबर जिनके साथ 5 लाख फैमिलीज जुड़ी है वो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका जो न्यूनतम वेतन है उसको वहाँ पे लागू किया जाए, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के करंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उनको नौकरी दी जाए, और ये कुछ मुद्दे लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो ग्राउंड पर निकली है। और वहाँ के जो जहाँ पे वसाइल हैं पानी के, वहाँ पे देखिए कि वहाँ इतने हमारे चिनाब्स हैं कि वहाँ की बिजली वहाँ लोगों को फ्री मिल सकती है, लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियन ने आज तक उस बिजली को बाहर बेचा, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा। अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में आती है, हम बिजली और शिक्षा और हेल्थ की सुविधा जो है जम्मू कश्मीर के साथियों को फ्री में दे देंगे। पीछे काफ़ी समय चर्चा रही, पत्थरबाजी की घटनाएं होती रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन घटनाओं पर आप? देखिए, पत्थरबाजी घटना कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई भी मतलब रोजगार नहीं है, तो और कुछ ऐसे लोग थे जो पत्थरबाजी घटनाओं को, जिनकी मतलब कश्मीर की जो शांति है वो उनको कबूल नहीं थी, तो उस अशांति को भंग करने के लिए कुछ लोग जो है वहाँ पे वो चीज़ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे शांति आई है। जम्मू का आप देखोगे तो पिछले 1 या 2 साल में कोई भी एक सिंगल पत्थरबाजी की घटना पे वहाँ पे नहीं हुई है, और ना ही ऐसा है कि आगे कुछ वहाँ पे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त प्रगति पे आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन टाइम लगता है इशू को हल होने में, लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की जनता को एक अच्छा जो है शासन वहाँ पे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत।